किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाटा कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है सॉलिबोर के नाम से, जिसके अंदर होता है बोरॉन 20%। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि बोरॉन के बिना हम अच्छा प्रोडक्शन क्यों नहीं ले सकते हैं, बोरॉन के हमारी फसलों में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, इसका उपयोग कैसे ये करना चाहिए, हमें अपनी फसलों में कब कब स्प्रे करना चाहिए, कब जरूरत होती है, कितनी डोज के साथ जरूरत होती है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सॉलिबोर का ही उपयोग हम क्यों करें। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, जो टाटा कंपनी का सॉलिबोर आता है, ये इसके अंदर बोरॉन होता है 20%। तो देखिए, इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि जो सॉलिबोर है ये बहुत ही अवेलेबल, यानी कि बहुत ही तेज़ी से अवेलेबल प्लांट को हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो बोरॉन होती है बहुत तेज़ी से प्लांट को मिल जाती है, जिससे जो रिजल्ट है हमें बहुत फास्ट देखने को मिलते हैं और अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, बोरॉन होता है इसके अंदर 20%। तो बोरॉन का उपयोग हमें अपनी फसलों के अंदर करना ही चाहिए, यदि हमें एक अच्छा प्रोडक्शन अपनी फसलों से लेना है। क्योंकि हमारी सॉइल के अंदर मैक्सिमम जो सॉइल है उनमें देखा गया है कि जो बोरॉन की डिफिशियंसी है सॉइल के अंदर, तो इसलिए जो फसल है बिना बोरॉन यदि डिफिशियंसी हो जाए किसी भी फसल के अंदर, तो हम उससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। फसल जो है वो हमारी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती है, हेल्दी नहीं हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं बोरॉन एक 17 आवश्यक न्यूट्रिशन में से एक है, यानी कि 17 आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं हमारे पौधे के लिए, जिनके बिना पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता है, उससे हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो उसमें से एक है जो बोरॉन होता है। तो बोरॉन की डिफिशियंसी यदि हो जाए, यानी कमी हो जाए, तो हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। देखिए, यदि प्लांट के अंदर बोरॉन की कमी हो जाए तो हम जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं आती है, जो रूट का फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं हो पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, जो जड़ें हैं उनमें विकृति हमें देखने को मिलती है, जिससे जो प्लांट है वो झाड़ी नुमा आपको देखने को मिल सकता है, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी ठीक से नहीं होती है। क्योंकि ये वेजिटेटिव ग्रोथ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बोरॉन होता है फसलों के अंदर। देखिए, यदि बोरॉन की डिफिशियंसी यानी कि कमी हमारे पौधे के अंदर हो जाती है, तो हमें अपनी फसलों के अंदर फूल और फल भी कम देखने को मिलते हैं, और फूलों के अंदर जो परागण है या प्रजनन की जो क्रिया है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे परागण प्रॉपर तरीके से नहीं होने के कारण फूलों के अंदर फूल और फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है, और फूलों से जो फल बनने की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं हो पाती है, यानी कि फूल से फल नहीं बन पाते हैं, जिससे जो फूल है वो ड्रॉप हो जाता है, गिरने लगते हैं, जिससे हमें फल भी कम देखने को मिलते हैं। तो ये भी समस्या हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ देखिए, जो यदि डिफिशियंसी हो जाए यानी कि बोरॉन की कमी हो जाए, तो फल जो भी बनते हैं उनमें क्रैकिंग आने लगती है। आप फलों को फटते हुए देखे होंगे, स्पेशली तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर, अनार के अंदर, कि फल हमारा तैयार हो गया है और वो बाद में भ्रष्ट हो जाता है, फट जाता है। तो वो बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण ही होता है, बोरॉन की कमी के कारण ही वो भी होता है। तो इसलिए बोरॉन बहुत ही जरूरी है हमारे पौधों के लिए। उसके साथ साथ बोरॉन की कमी से जो कैल्शियम और पोटेशियम का जो अनुपात है उसमें डिफरेंस आ जाता है। यदि बोरॉन प्रॉपर मात्रा में हमारे सॉइल के अंदर है, प्लांट के अंदर है, तो जो हमारा कैल्शियम और पोटेशियम का अनुपात है उसको ये मेंटेन रखने में, उचित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमें अच्छी क्रॉप देखने को मिलती है। उसके साथ साथ देखिए, बोरॉन की कमी से जैसे कि हमें कॉलीफ्लावर की फसल के अंदर हॉलो स्टेम की समस्या देखने को मिलती है, कि उसका जो तना है वो खोखला रह जाता है बीच से, जिससे जो हमारी क्रॉप है वो अच्छी नहीं होती है, बेकार हो जाता है हमारा जो फूल है। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है यदि बोरॉन की डिफिशियंसी हो जाए। तो बोरॉन दोनों ही क्रॉप की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो यदि आप अच्छा प्रोडक्शन चाहते हैं तो उस समय भी बोरॉन चाहिए, और अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ चाहते हैं तो वो भी हमारे बोरॉन, उसके लिए भी हमारे प्लांट को चाहिए। तो बोरॉन देने से हमें यही बेनिफिट मिलते हैं कि एक तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, पर्याप्त मात्रा में बोरॉन होता है, उसके साथ साथ फूल अधिक आते हैं, फल अधिक बनते हैं, जो परागण की क्रिया प्रॉपर होती है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, और फूल भी अधिक बनेंगे, फल अधिक बनेंगे, फलों का जो साइज है वो भी अच्छा होगा, तो ये और फलों में जो क्रैकिंग है वो नहीं आएगी, तो ये सब देखने को मिलते हैं। तो अच्छा प्रोडक्शन हमें चाहिए तो अपनी फसलों के अंदर बोरॉन हमें डालना ही पड़ेगा। तो देखिए, हमें अपनी फसलों के लिए के अंदर कम से कम एक स्प्रे या दो स्प्रे जरूर बोरॉन के हमें करने ही चाहिए। तो कब कब हम कर सकते हैं, जैसे यदि हम सॉलिबोर का उपयोग करते हैं, तो एक तो आप वेजिटेटिव ग्रोथ में भी आप एक स्प्रे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
और सेकंड स्प्रे जैसे ही आपकी फ्लोवरिंग स्टेज शुरू होने वाली है उससे जस्ट पहले, आप फ्लोवरिंग स्टेज जैसे ही शुरू होती है उससे जस्ट पहले एक स्प्रे आप तब ले लें। तो दो स्प्रे आप ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपकी जो फसल है वो देखने को मिलेगी, फूल अधिक आएंगे, फल अधिक आएंगे। और बोरोन के साथ आप चाहें तो कैल्शियम को भी ऐड कर सकते हैं। बोरोन और कैल्शियम को मिक्स करके हम स्प्रे करते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें कि हमें एक डोज क्या रखनी है, तो देखिए इस जो सॉलिबोर आता है इसके अंदर 20% होता है, तो इसकी जो डोज हमें देनी होती है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देनी होती है। नहीं, 15 लीटर का टैंक है तो 15 ग्राम इसको डाल के सॉलिबोर को मिक्स करके आप स्प्रे अपनी फसलों के अंदर ले सकते हैं। और यदि आप फर्टिगेशन में देना चाहते हैं यानी कि ड्रिप के साथ आप चलाना चाहते हैं तो इसकी 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला सकते हैं, यानी कि 1 एकड़ के खेत के अंदर 500 ग्राम इसकी मात्रा को आप दे सकते हैं। इसके जो रिजल्ट है हमें 1 हफ्ते बाद ही देखने को मिल जाते हैं और इसके जो रिजल्ट है लगभग 15 दिनों तक हमारे खेत के अंदर ये काम करता है। यदि हम स्प्रे में यूज करते हैं तो 15 दिनों तक ये काम हमारी फसलों के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाता है। देखिए यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 1 किलोग्राम पैकिंग की जो कीमत है, जो सॉलिबोर आता है टाटा कंपनी का, इसकी आपको लगभग 350 से लेकर 400 रुपये की रेंज में 1 किलोग्राम की कीमत पड़ जाती है। तो प्राइस अप डाउन जरूर हो सकते हैं, स्टेट वाइज चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना ले। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।